Hello student, today we are going to study one of the most important topic of our NCERT syllabus, that is mechanism of hormone action. In this topic we will see how a hormone act. So first of all, let's see what is this hormone. We know that these hormones are low molecular weight substances which are secreted by ductless gland. These ductless glands are called as endocrine and they release their secretion in blood. So the hormones travels via blood, or we can say through blood, to the cell where it acts. मतलब जिस सेल पे ये एक्ट करेगा वहां तक ये ट्रेवल करके पहुंचता है. कैसे ट्रेवल करेगा? भाया दिस ब्लड. एंड दिस सेल्स आर कॉल्ड एज टारगेट सेल्स. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज एन एंडोक्राइन सेल. एंड this is the target cell. So endocrine cells जो secretion secrete करता है या substance secrete करता है वो substance blood stream में release करेगा. So these are the hormones which are released in the blood stream. So with the blood they travels to द स्पेसिफिक सेल्स. ब्लड के साथ वो स्पेसिफिक सेल्स के पास मूव करेगा और इस सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होता है जिसको हम बोलते हैं हॉर्मोन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स. दीज रिसेप्टर्स विल एक्सेप्ट द हॉर्मोन्स, और यू कैन से द हॉर्मोन्स विल बाइंड विथ द रिसेप्टर ऑफ द सेल. ओके, एंड सो ऑन द एक्शन विल टेक प्लेस. सो अभी हमें इसी चीज को थोड़ा डीपली देखना है. जैसा कि हम जानते हैं हॉर्मोन हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. एक होता है प्रोटीन हॉर्मोन और दूसरा होता है स्टेरॉइड हॉर्मोन्स. सो जस्ट नाउ आई सेड दैट हॉर्मोन्स are of two types or can be divided into two categories on the basis of properties. First is water soluble, or you can also say hydrophilic, and the second is water insoluble जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक. सो आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट द वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस और वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स आर बेसिकली द प्रोटीन पेप्टाइड्स एंड एमाइनो एसिड डेराइवेटिव हॉर्मोन. Okay, while the water insoluble hormone, that is hydrophobic, are steroid hormone. So हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में इन दोनों हॉर्मोन का मैकेनिज्म डीपली देखना है. ओके, तो फॉर वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन, एज यू नो दैट द सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. सेल बायोलॉजी में पढ़ाया गया होगा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है. जिसमें ये हो गया
टर्निंग प्रोटीन, यू कैन ऑल्सो से दैट कैपी प्रोटीन, दीज आर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. देन कोलेस्ट्रॉल विल बी देयर फॉर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी एंड दीज आर द एक्सट्रिंसिक वन. सो जैसा मैंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन है और हॉर्मोन्स कहां पे एक्ट करता है, सेल के ऊपर. तो सेल के ऊपर जब एक्ट करेगा तो मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके जाना होगा उसे. लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं, एक है वाटर सोल्यूबल, दूसरा वाटर इनसोल्यूबल. सो जो वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन है जिसको हम हाइड्रोफिलिक कह रहे हैं, दे कैनॉट पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा सकता क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है. तो यहां पर क्या पाया जाता है, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं. There are some transmembrane receptors. ये receptors hormones को accept करेगा. तो कौन सा hormone? Protein hormone. तो protein hormone के लिए membrane receptor जरूरी है. तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, These hormones require membrane receptor. स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन. ओके, बट द एस्टेरॉइड हॉर्मोन्स एज दे आर हाइड्रोफोबिक, ओके, सो दे डू नॉट रिक्वायर द मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एज दे कैन डायरेक्टली एंटर इनसाइड द सेल बाय पेनिट्रेटिंग द मेम्ब्रेन. सो अब हम क्या करेंगे, एक एक का हम अलग से डिस्कस करेंगे, एक एक करके. पहले हम देखेंगे वाटर सोल्यूबल का एंड उसके बाद वाटर इनसोल्यूबल का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ द सेल मेम्ब्रेन. This is the cell membrane. And it has or there is an enzyme called adenine cyclase. एडेनाइन साइक्लेज एंजाइम है. और जैसे मैंने कहा कि हमारा पहला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन हार्मोन. और मैंने ऑलरेडी बताया था प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन और एमाइन, दीज आर कॉल्ड एज वाटर सॉल्युबल. So as I said, this water soluble hormone cannot penetrate the membrane. So they will require what? A membrane receptor. So this is a membrane receptor. This is a membrane receptor having G protein. एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है जो रिसेप्टर के साथ अटैच है. तो इसे हम क्या कहेंगे, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. ओके, एंड दिस इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. वी नो दैट दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज a pore. These are called as nuclear pore. And here there is a genetic material that is the DNA. Now the stage is ready for the discussion of this axon.
सो दिस इज अ प्रोटीन हार्मोन. In your NCERT, they have taken the example of FSH, that is follicular stimulating hormone. ये follicular stimulating hormone क्या कहता है? ये जाकर के follicles को stimulate करता है. Now, as this is protein hormone, it cannot directly enter inside the cell. It will bind with the receptor called as Z protein coupled receptor. Okay, अब protein hormone हो या फिर कोई भी hormone हो उसको हम क्या कहते हैं? Primary messenger, one degree messenger. इसको अपना इंफॉर्मेशन अंदर की तरफ पहुंचाना है. तो कैसे पहुंचा रहा है? मैंने क्या कहा पहले, ये क्या कर रहा है? अंदर तो जा नहीं सकता क्योंकि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है. तो क्या कर रहा है? सबसे पहले ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है, और बाइंड करने के बाद जैसे ये बाइंड करता है यहां पर जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है. एक्टिवेट होने के बाद विद द हेल्प ऑफ दिस एडिनाइन साइक्लेज एंजाइम इट विल फॉर्म अ सेकेंडरी मैसेंजर. यहां पर सेकेंडरी मैसेंजर का ये फॉर्मेशन कर देगा. और आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकेंडरी मैसेंजर के बारे में, फॉर एग्जाम्पल सी ए एम पी, हुज फुल फॉर्म इज साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. ओके, ये सेकेंडरी मैसेंजर हुआ जिसका फॉर्मेशन एटीपी से होता है. ओके, विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? एडेनाइन साइक्लेज. तो अब जो इंफॉर्मेशन यहां था इस प्रोटीन हार्मोन में, वो इंफॉर्मेशन कहां पहुंच चुका है? साइटोप्लाज्म में. ओके, विद द हेल्प ऑफ जी प्रोटीन एंड एडेनाइन साइक्लेज. ओके, दिस इज द सेकेंडरी मैसेंजर. सो इस तरह से जो प्राइमरी मैसेंजर है बाहर रहते हुए अपना इंफॉर्मेशन अंदर की तरफ पहुंचा चुका है. नाउ दिस सीएएमपी और साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट विल इनिशिएट अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, और यू कैन से सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू दैट द मेटाबॉलिज्म विल ऑकर और एक्शन विल टेक प्लेस. सो दिस विल एंटर द सीएएमपी विल एंटर इन साइड द न्यूक्लियस and on the DNA or over the DNA or genetic material there is a region which is called as CREB. इसे कहते हैं CREB, that is CAMP response elementary binding protein. तो अब ये सी एम पी यहां पर एंटर करता है और जाकर के इधर बाइंड कर जाएगा, एंड दिस रेस्पॉन्स एलिमेंट्री विल गेट एक्टिवेटेड. अब इसी के अनुसार ये जो इंफॉर्मेशन लेके आया है इसी के ऊपर डीएनए रेप्लीकेट करेगा. रेप्लीकेट करने के बाद ट्रांसक्राइब होता है. ट्रांसक्राइब होने के बाद हम जानते हैं क्या फॉर्म होगा, एम आर एन ए, जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं. अब जो इंफॉर्मेशन यहां था वो इसमें आ चुका है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैसेज दिस एम आर एन ए नाउ कम आउट. अब ये एम आर एन ए जो होगा वो साइटोप्लाज्म में आएगा, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद इट विल अंडरगो ट्रांसलेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. ओके, अब ये प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, और ये प्रोटीन में प्रोटीन उसी तरह से एक्ट करेगा जो ये हार्मोन का एक्शन होता है. ओके, दैट इज इट विल स्टिमुलेट द फॉलिकल्स ऑफ द यूटेरस.
Now, let's discuss once more. This is the mechanism of protein hormone. We have taken the example of FSH, that is follicular stimulating hormone. And I said that protein hormones are water soluble hormone. So it cannot penetrate the membrane, as the membrane is made up of phospholipid bilayer. So I am writing it here, phospholipid bilayer. So जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन और लिपिड इनसॉल्युबल होता है, मिक्स नहीं होता है, तो ये प्रोटीन जो है प्रोटीन हार्मोन इसको पार करके नहीं जा सकता, लेकिन इसे अपना इंफॉर्मेशन जैसे भी हो कहीं तो पहुंचाना है, सेल के अंदर पहुंचाना है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड. क्यों रिक्वायर्ड है? जैसे एग्जाम्पल में क्या गया है, फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए, उसको स्टिमुलेट करने के लिए हमें ये पहुंचाना बहुत ही जरूरी है. तो हमें क्या चाहिए? मेम्ब्रेन रिसेप्टर. ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर का नाम क्या बोला? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, क्योंकि जी प्रोटीन इस मेम्ब्रेन के मींस मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ अटैच्ड है. तो जैसे ही ये प्रोटीन हार्मोन इसके साथ बाइंड करेगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो रहा है. एक्टिवेट होने के बाद क्या कर रहा है? सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन करवा रहा है विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, एडिनाइल साइक्लेज एंड एटीपी. Now this secondary messenger, that is cyclic adenosine monophosphate, will initiate a series of enzymatic reactions and it will enter inside the nucleus via the nuclear pore. और वहां जाने के बाद किसके साथ बाइंड कर रहा है? CREB को हम क्या कहते हैं? CMP response element binding protein. तो अब जो इन्फॉर्मेशन यहां था वो कहां पहुंच चुका है? जेनेटिक मटेरियल में. और उसी के अनुसार क्या हो रहा है? सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस. इस सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन हुआ तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ. अब ये प्रोटीन उसी के अनुसार क्या करेगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटी. ओके, सो लेट्स डिस्कस द सेकेंड मैकेनिज्म और सेकेंड हार्मोन मैकेनिज्म विच आई just said before, that is the steroid hormone. So I said before that steroid hormones are hydrophobic, means it cannot mix with water. So hydrophobic है, so hydrophobic है तो फिर इसको कोई membrane receptor का जरूरत नहीं है, directly enter कर सकता है. हमारे NCERT में क्या example लिया गया है? Estrogen, which is a female reproductive hormone or it is a sex hormone. So let's see first. This is a cell membrane. And this is cytoplasm. Okay? And this is the nucleus. Cell membrane, cytoplasm and nucleus. And let's consider this as steroid hormone. So I just said that steroid hormone is hydrophobic. Okay, that is why it does not require any membrane receptor. It will directly enter inside the cell. अब cell में जब ये enter कर चुका है तो इसको क्या चाहिए होता है? cytoplasmic receptor और nuclear receptor. या तो ये cytoplasmic receptor के साथ bind करेगा या फिर nuclear receptor के साथ. Okay? So
it will bind with this one. Where the hormone enters the receptor, shape will change or active site will change. So देखिए अब क्या बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, बिकॉज हार्मोन हैज बॉन्डेड विथ दिस वन, दैट इज द रिसेप्टर. तो हम यहां पे लिख देते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जिसको शॉर्ट में HRC भी कहा जाता है. सो हियर ऑल्सो सेम थिंग, अगर चाहे तो साइटोप्लाज्म में बाइंड किया या फिर न्यूक्लियस में. सो सेम देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. HRC and this is the DNA. Okay, and over this DNA there will be a receptor or element which are called as HRE, that is hormone response element. Okay, there is a hormone receptor element over the gene, or you can say DNA. This is the gene. Ye gene ho gaya. अब क्या होगा, अब ये जो HRC है दैट इज द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विल सीट ओवर हियर, यहां आकर के ये बैठ जाएगा. ओके, इट इज ड्रॉन हियर. Now, the information has been given to the genetic material, and on the basis of this information, it will now perform the same process, that is the formation of mRNA, that is the messenger RNA, transcription हुआ. Transcription होने के बाद क्या होगा, फिर protein का formation करेगा. और ये protein उसी अनुसार मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्ले करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और यू कैन से मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स जो एस्ट्रोजन करता है. ओके, सो दिस इज हाउ द एस्ट्रोजन हार्मोन इज एक्टिंग. ओके, लेट्स डिस्कस वंस मोर. एज आई सेड दैट एस्ट्रोजन हार्मोन, आई टेक इन द एग्जांपल ऑफ एस्ट्रोजन, इट इज वाटर इनसॉल्युबल. So, इसे किसी भी मेम्ब्रेन रिसेप्टर का जरूरत नहीं है, डज नॉट रिक्वायर मेम्ब्रेन रिसेप्टर. जैसा कि हमने प्रोटीन में देखा था वहां पे मेम्ब्रेन रिसेप्टर चाहिए था, लेकिन यहां पे किसी भी प्रकार के मेम्ब्रेन रिसेप्टर की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है, बिकॉज इसका प्रॉपर्टी और सेल मेम्ब्रेन का प्रॉपर्टी दोनों का सेम है. तो डायरेक्टली एंटर कर जा रहा है, एंटर करने के बाद जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर या न्यूक्लियर रिसेप्टर, दोनों में से किसी के साथ भी बाइंड कर सकता है. ओके, so it is binding with the receptor. जैसे ये receptor के साथ bind करेगा, then it is forming the hormone receptor complex. The hormone receptor complex will now enter inside the nucleus. और nucleus में जाने के बाद कहां जाकर वो attach हो रहा है, it is attached with that of the HRE, that is the hormone response element. Okay, hormone response element के साथ जाकर के ये bind किया और
जो इंफॉर्मेशन इस हार्मोन में होगा उसी के अनुसार एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, एमआरएनए में जो मैसेज है प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा एंड दिस प्रोटीन विल परफॉर्म द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ओके, तो ये तो हमने दिखाया आप लोगों को किस प्रकार से हार्मोन जो है वो एक्ट करता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा प्रोटीन हार्मोन्स के बारे में और दूसरा देखा स्टेरॉइड हार्मोन्स के बारे में। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू।